यहाँ लिखो ट, फिर इधर आ जाओ, यहाँ लिखो ठ, यहाँ लिखो ड, यहाँ लिखो ढ, यहाँ लिखो अण, फिर यहाँ लिखो त, फिर यहाँ लिखो ठ, फिर यहाँ लिखो द, यहाँ लिखो ध, यहाँ लिखो न, यहाँ लिखो प, यहाँ लिखो प, इधर मान लो इनको इधर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 सही है ना? सही है। पूरे 49 वर्ड। अब बच्चा कहीं से पता नहीं लगा सकता कि कौन सा अक्षर किस लाइन में से कहां है। अगर वो देख रहा है तो ढूंढ लेगा। अब वो पढ़ना जानता है, पूछना है, कक्का सीख लिया है। जो अब आप इससे पूछिए, बस ए आई छ थ म स त, सभी अक्षर अलग अलग जगह से है, कोई अक्षर एक लाइन में से नहीं उठा है। अगर इस तालिका की आपने बच्चे से जांच करवा ली और पूरे बता दिए तो तय है बच्चा अनाराम और कक्का बिल्कुल सीख चुका है, बिल्कुल नहीं बताया तो नहीं सीख चुका है, और नहीं बताया तो उसे वापस कक्के पर ले जाइए, नहीं सीखा है। जो सीख गया वो तो ढूंढेगा इसमें, वो हाथ रखते बताएगा भाई ये अनार है, ये अड़ी है, ये छ है, ये थ है, ये म है, ये स है, ये त्र है। लेकिन जिसने याद नहीं किया है, जो नहीं पढ़ा है और आप ज्ञानी तक पहुंच गए हैं उनको सिखाते सिखाते, तो आप एक बार ये तालिका बनाकर उसकी जांच जरूर करें। कक्का समाप्त होते, अगर समाप्त होते आपने ये जांच नहीं की तो आपने उसको सिखाया नहीं है कुछ भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक महीने में बच्चे को कक्का